ज्यादा जरूरी है या एजुकेशन ज्यादा आर्थिक विकास में ज्यादा मददगार होती है सर? सर सेकंड सर ये है, मेरी फैमिली में ही जैसे 2000 रुपए पर 3 महीने में पेंशन आती है किसान की, तो साल में 6000 रुपए आते हैं। मैं पिताजी को मना करता हूँ कि ये नहीं लेने हैं, गैस सब्सिडी छोड़नी है। वो कहते हैं कि लेनी है और मैं कहता हूँ नहीं लेनी है। तो ऐसा हमारे बीच में चलता रहता है। 2 साल से मैं सब्सिडी छोड़ रहा था, सडनली मैंने बताया कि मैंने छोड़ रखी है 2 साल से। तो एक तरीके से वो बोले कि तूने छोड़ क्यों रखी है जब आ रहे हैं। मैं परिवार को बोलता हूँ कि सक्षम है तो अपन क्यों लें, ये परिवार में ही कैसे। परिवार से, परिवार में ही लोगों को कैसे रोका जाए कि अपन सक्षम है तो रोका कैसे जाए उनको। हेलो, अच्छा आपका पहला सवाल है प्रोडक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एजुकेटेड आदमी, एजुकेटेड का मतलब नहीं आप स्कूल में जाए डिग्री ले आए, कॉलेज में जाए डिग्री ले आए, आप अपना परिवार में ही कैसा प्रोडक्शन करना है उसका चर्चा करें, एजुकेट करें, ज्ञान ले और जो उनका प्रोसेस कैसा इंप्रूव करना है। तो आप इफ यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, यू आर ऑलरेडी एजुकेटेड, यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ, एजुकेटिंग अदर पीपल ऑल्सो। तो एक्चुअली एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड बाई साइड आप किसको प्रायोरिटी देना है, जो प्रोडक्शन अभी खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप पढ़ने जाना है या खाने का सामान बनाना है, वो सोचना पड़ेगा उसमें। और दूसरा तो मैंने बोला था चाइनीज का प्रीमियर का एग्जांपल आपको दिया था कि जो बुजुर्ग हमारा पेरेंट जो बोलता है वो अच्छा ही होता है। तो दे आर लाइक भगवान जैसा है, अपना हम ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारे लिए सोचते हैं। तो जो आप हमारे अकॉर्डिंग टू मी जो हमारा पेरेंट्स जो बोलता है वो अच्छा ही होगा, वही रखना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून, आई एम विष्णु कुमारी फ्रॉम वनस्थली विद्या।